क्लास 10th और सब्जेक्ट SST हिस्ट्री। हिस्ट्री का यूनिट 3rd हम पढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ ग्लोबल वॉर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ये है, व्हाट इज मीट बाय द ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट डिस्कस। यानी ये हमें क्वेश्चन इस तरह से, हमारा टॉपिक जो है ये है कि ये जो ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट था ये क्या है, ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में आज हमने स्टडी करनी है कि ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट क्या है। दी ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट वाज साइनड बिटवीन दी वर्ल्ड पावर्स इन जुलाई 1944 AD एज ए रिजल्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट ब्रिटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर USA। दिस कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड दी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड दी वर्ल्ड बैंक टू प्रिजर्व इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड दी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस कमेंसेड। अब यहां तक है, देखो इसमें हमने समझना है कि ब्रिटन वुड एग्रीमेंट क्या चीज है। तो बेटा ब्रिटन वुड एग्रीमेंट्स जो है, ब्रिटन एग्रीमेंट्स ये यानी 1944 AD की बात है। 1944 में क्या हुआ कि जिस वक्त पूरी हमारी वर्ल्ड जो थी, इसमें उस वक्त क्या था, इस उस वक्त इकोनॉमिक डिप्रेशन थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन थी, हमारे इंडिया में थी, USA में थी, हर एक जगह भी थी इकोनॉमिक डिप्रेशन। उसको लेके वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, USA में एक कॉन्फ्रेंस बैठी। तो वो कॉन्फ्रेंस जो थी ब्रिटन वुड, यानी ये वहां एक जगह का नाम है जो अमेरिका में है, USA में है। तो वहां पे ये कॉन्फ्रेंस बैठी। इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद जो था, एम था, वो ये था कि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द वर्ल्ड बैंक टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी इसका मकसद ये था कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो इस उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे, फाइनेंशियल क्रंच हो गई थी, तो उसकी इकोनॉमी जो थी उसको स्टेबल करना था। एक दूसरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी थी। दो बातें थी, यानी ये जो ब्रिटन वुड एग्रीमेंट जो था, ये एक कॉन्फ्रेंस जब बैठी USA में 1944 AD को, इसमें ये तय किया गया कि जो वर्ल्ड बैंक जो है, इस एक तो इसकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है इसमें, दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर जो है उसमें हमें क्या करना है जी, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। तो ये क्या हमें कहता है कि ब्रिटन वुड एग्रीमेंट जो था, ये हमें ये कहता है। इसके बाद क्या हुआ कि बोथ दीज इंस्टीट्यूशंस कमेंसर्ड फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947 विच दे आर कंटिन्यूइंग अप टू दिस डेट। अंडर दिस सिस्टम आर एग्रीमेंट द नेशनल करेंसीज फॉलोड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स एंड वेयर पेजेड टू द USA डॉलर्स। दिस सिस्टम अनहेरिट एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम्स फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन एंड जापान। देर वॉज ऑल्सो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्राइसेस। तो ये जो हमारा IMF जो था, IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी ये जो हमारे दो इंस्टीट्यूशन जो थे, इसमें यही था, एक तो वर्ल्ड बैंक जो था उसमें क्या हो गया जी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये कॉन्फ्रेंस थी, दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट देनी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तीसरा क्या था कि जो नेशनल करेंसी जो थी, हर कंट्री की नेशनल करेंसी जो थी, इस इसमें ग्रोथ लानी थी, इसकी डेवलपमेंट करनी थी। तो ये सब जो था ये किसमें था, हमारा ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट यही था। थैंक यू।